गणेश भक्तों के लिए बाप्पा के उत्सव के ये दिन साल के सबसे अच्छे दिन होते हैं। आमुख खास से लेकर हर गणेश भक्त बाप्पा की भक्ति में विलीन हो जाता है, तो इसमें हमारे रक्षक कहे जाने वाले पुलिसकर्मी कैसे पीछे रह सकते हैं। शहर में जहाँ एक और कई कार्यालयों में बाप्पा विराजित हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर तहसील पुलिस थाने में भी बाप्पा की पूजा और अर्चना बड़े ही श्रद्धा भाव से की जा रही है। आइए देखते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ के लोगों का त्योहारों से विशेष जुड़ाव है, या हम आए दिन कोई ना कोई त्योहार मनाते हैं, इसलिए हम इसे त्योहारों का देश भी कहते हैं। हमारे देश में विभिन्न संस्कृतियों का संगम देखने को मिलता है, जिसके कारण आए दिन कोई ना कोई त्योहार होता है। ऐसे ही त्योहारों में से एक है गणेश उत्सव, जिसे हम बहुत हर्षोल्लास के साथ बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बाप्पा का यह उत्सव आमुख खास से लेकर हर कोई मनाता है। कई कार्यालयों में भी बाप्पा विराजमान होते हैं। इसी के तहत तहसील पुलिस थाना अंतर्गत भी बाप्पा का आगमन हुआ, जहां सभी पुलिस कर्मचारियों की ओर से बड़े ही श्रद्धा भाव से रोज बाप्पा की आरती होती है। ऐसा ही कुछ वातावरण जब हमारी टीम पहुंची तो वहां दिखाई दिया। इस संदर्भ में बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर ने बताया कि पुलिस कार्यालय का वातावरण अच्छा रहे और सकारात्मक रहे, इस दृष्टि से बाप्पा की स्थापना पुलिस थाने में की गई है। पुलिस स्टेशन तहसील में गणपति पूजा और गणपति स्थापना पारंपरिक है। हर साल के मुताबिक इस साल भी हमने COVID-19 के डायरेक्शन फॉलो करते हुए गणपति की प्रतिष्ठापना की है और आज गणपति का एक आरती थी। आप देख रहे हैं कि एक इस समय में वातावरण बड़ा प्रसन्न है, सब कर्मचारी अधिकारी यूनिटी से रहते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक के बतौर पुलिस स्टेशन में एक यूनिटी होना चाहिए, पुलिस में आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए, पुलिस का जो वातावरण है वो स्पोर्ट्समैनशिप जैसा रहना चाहिए, इसीलिए हमने ये आयोजन किए हैं। और सभी समाज के नेतृत्व, सभी धर्म के लोग यहाँ आरती में आप देखें कि खड़े थे, तो यही एक गणपति बाबा का एक आशीर्वाद है, उदाहरण है कि सब मिलके रहो और जब मिलके रहेंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। गणपति स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही है कि पुलिस स्टेशन का वातावरण हेल्दी रहना चाहिए, सभी अधिकारी कर्मचारी में एक निष्ठता रहना चाहिए, यूनिटी रहना चाहिए और इसका उपयोग समाज के लिए और नागपुर शहर के लिए होना चाहिए। इस वक्त उन्होंने जनता से आवाहन किया कि प्रशासन द्वारा दिए गए नियमों का पालन करें, साथ ही बताया कि जिस तरह से प्रशासन के नियम है उसी तरह तहसील पुलिस थाने के बाप्पा का विसर्जन किया जाएगा। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN News नागपुर।